ये खास स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार का सिलसिला अगर लगातार बढ़ जाए और हारने की वजह लगातार एक जैसी आपके सामने आने लगे तो फिर थोड़ा सा सोचने की जरूरत जरूर होती है। अब भारतीय टीम जिस तरह से एशिया कप में बड़े स्कोर बना के मैच हारी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 208 रन बनाकर मैच हार गए, और ऐसे में चिंतन और मंथन दोनों करने की जरूरत है। और इसीलिए दो वरिष्ठ क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे। और एक्चुअली भारतीय गेंदबाजी के साथ क्या कुछ गलती हो रही है, क्या खामी नजर आ रही है, इस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐलान बन चुका है। अगर इस ऐलान को सही समय पर नहीं सुना भारतीय टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने तो एक बार फिर वर्ल्ड कप में मुंह की खानी पड़ सकती है, और इस बार भी शायद परेशानी की वजह गेंदबाजी होगी। क्योंकि अगर आप एशिया कप के मैचेस याद करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ 180 बना के हार गए, 180 प्लस बना के हार गए, 170 प्लस बना के हम श्रीलंका के खिलाफ हार गए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 बना के हार गए। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतिम ओवर में जब मैच किधर भी जा सकता है वहां पर बाजी बार बार क्यों विरोधी टीम के खेमे में चली जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ हैं, रजिंदर सिंह सोनी हमारे साथ हैं। पूर्व क्रिकेटर कहें या लेजेंडरी क्रिकेटर कहें, क्योंकि लेजेंड कप में वो खेल रहे हैं और समय निकाल कर वो मोहाली भी पहुंचे थे जहां पे उनके फादर को फेलिसिटेट किया गया। हरभजन सिंह उनके साथी खिलाड़ी और युवराज सिंह के नाम पर स्टैंड बनाया गया और इस ऐतिहासिक लम्हे के वो चश्मदीद गवाह बने। बहुत बड़ा मौका था जब उनके फादर को फेलिसिटेट किया गया। 17 साल रणजी ट्रॉफी खेला है उन्होंने पंजाब के लिए, और इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि एक अक्सर पिता देखना चाहता है अपने बेटे को सम्मानित होते, लेकिन रितेंद्र उन गिनी चुनी शख्सियत में से हैं जहां पर बेटे ने देखा कि उनके फादर को सम्मान मिल रहा है। पंजाब के सीएम ने उनको सम्मानित किया। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं। सबसे पहले प्राउड मोमेंट आपके लिए, पीछे ढेर सारी फोटोज जरूर है, इंडिया जब आप खेले तब की फोटोज आपने लगा रखी है, बट शायद ये प्राइसलेस फोटो है जब अंकल को ऑनर किया जा रहा था और आप वहां से कैमरे पे वो तस्वीरें कैद कर रहे थे। राजीव, बिल्कुल, देखिए ये ऐसी मोमेंट है जिसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपके साथ इंडिया न्यूज पे शो कर रहा हूँ, आपने मुझे इसलिए शो पे लिया है क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, भारत के लिए खेला हूँ, तो ये सब आई एम इंडेटेड टू माई डैड। जो मेरे कोच रहे हैं, मुझे हर पल उन्होंने गाइड किया है, हर मोमेंट गाइड किया है और आज भी गाइड करते हैं। और कल एक ऐसा लम्हा था जहाँ पे जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिकेट को, देखिए साबा भाई हमारे साथ है, वो जानते हैं, वो भी उस एरा के क्रिकेटर हैं। तब ज्यादा कुछ होता नहीं था, फाइनेंशियली ज्यादा इंसेंटिव नहीं होते थे, सिर्फ एक सफेद टी शर्ट सफेद पैंट आपकी होती थी और वही डालना एक ऑनर होता था। तो इन क्रिकेटर्स को नवाजा जाना और रिकग्निशन के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब के द्वारा हरभजन, युवराज वहां मौजूद थे, बहुत बड़ी बात है, बहुत इमोशनल भी है। क्योंकि मैं जानता हूं कल जब मैं डैड को देख रहा था अवार्ड लेते, उसके एकदम बाद उनकी आंखें थोड़ी नम थी, क्योंकि ये उस एरा के क्रिकेटर्स हैं जिनको सिर्फ बॉल और बैट से प्यार था, क्रिकेट को जीते थे ये लोग। तो जी हाँ, बहुत अच्छा ये एक जेस्चर है आप क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। तो भाई आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार क्रिकेट सालों साल आप खेले भी और आपने देखा भी है, ये बड़ा एक अलग सा लम्हा था जब एक योजना से फादर को सम्मानित किया है के लिए उनके सामने, क्योंकि बहुत कुछ अचीव किया है, राज सिंह ने बहुत अचीव किया है, इस टाइम उनके नाम पे होना लाजमी सी बात है, आज नहीं होता कुछ दिन बाद होता और ये होना भी चाहिए था। एक क्रिकेटर के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता जब मैदान पर उनको ऑनर किया जाए। बट आप कैसे देख रहे हैं, आप जैसा रितेंद्र कह रहे हैं आपने देखा है कि फादर को खेलते हुए भी? राजीव, मैंने खेलते हुए देखा ही नहीं है, मैंने इनके विरुद्ध मैच भी खेला है, दिलीप ट्रॉफी का मैच मुझे याद आ रहा है कि पटियाला में वो मैच था, नॉर्थ जोन वर्सेस ईस्ट जोन, वो मेरा पहला साल था दिलीप ट्रॉफी का और वो मुकाबला मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है। मेरे तरफ से सबसे पहले ढेर सारी बधाई सोढ़ी के पिताजी को इस सम्मान के लिए, और बहुत ही टचिंग ट्रिब्यूट कल हुआ, ये देखने को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल रहा हम सब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सोढ़ी जी के पिताजी का कंट्रीब्यूशन ना ज़्यादा रहा है पंजाब क्रिकेट में, और ना ही केवल एक प्लेयर के रूप में पर एक कोच के रूप में भी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार का सम्मान हर एक स्टेट एसोसिएशन को अपने पुराने खिलाड़ियों को देना चाहिए, और ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में इस वजह से हो रहा है कि धीरे धीरे करके अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्मर क्रिकेटर्स जुड़ रहे हैं।
तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। युवराज सिंह और हरभजन सिंह के नाम से स्टैंड रखा गया, जिस तरह से कल एमपी सिंह जी को ट्रिब्यूट दिया गया, और इसी तरह से अन्य स्टेट एसोसिएशन को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से आप भी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को सम्मान दें जिन्होंने इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है क्रिकेट के प्रमोशन के लिए, एक प्लेयर के रूप में भी और एक कोच के रूप में भी। और मुझे उम्मीद है कि सोडी जी के पिताजी एक बार फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, और उम्मीद यही है कि वो अपने दुआओं में हम लोगों को भी जरूर याद रखेंगे हमेशा। और जो कुछ इमोशनल बातें सभा भाई ने कही वो मैं सुन भी रहा था बहुत ध्यान से जितेंद्र, लेकिन इमोशन से काम तो नहीं चलेगा क्योंकि अंत में मैदान पे आपको जीतना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। और जो कुछ आपने मोहाली में देखा 208 बना के मैच हमार गए, एशिया कप में भी वही कहानी, वैसे ही रटा रटा रहा फॉर्मूला, भुवनेश्वर कुमार को वैसे ही 1900 ओवर गेंदबाजी कराना, ये सब कब तक चलेगा? आप तो आपके पास मैचेस कम बचे हैं, 6 मैच के बाद आपको जाके वर्ल्ड कप खेलना है, और लगातार अगर आप इतने बड़े स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर सवाल उठेंगे और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए कम से कम। देखिए राजीव, ऐसा है जब आप प्रीमियर इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें जाना होता है, कुछ लम्हे पहले आप कोशिश करते हैं मनोबल हासिल करने की, मनोबल ऊपर ले जाने की, यू गॉट टू गो टू नॉचेस हायर, वो आपकी तैयारी होती है। लेकिन यहाँ पे हम मनोबल में अब नीचे आ रहे हैं, एशिया कप में कलोसल फेलियर, और कल जैसे ये मैच घटा है आपने बल्लेबाजी अच्छी की, रन बोर्ड पे लगाए, देखिए विकेट जैसा भी था, ड्यू फैक्टर था नहीं था, लेकिन एक बेसिक्स की हम बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, अब भुवनेश्वर कुमार अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। अगर हम चहल की बात करें, ही हैज बीन अप एंड डाउन इन पैचेस, कभी लगता है बहुत अच्छी लय में है, कभी लगता है शायद स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर हर्षल पटेल की बात करें, मैं मानता हूं आप इंजरी से आए हैं लेकिन आप वापस आ गए हैं, आपके पास समय नहीं है, आपको वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा दावेदार के रूप में देखा जा रहा है कि आप वहां जाएंगे हमें मैचेस जिताएंगे, बट अगेन ही वाज अ कोलोसल फेलियर। और फील्डिंग की बात करें, देखिए फील्डिंग साबा में मेरे से एग्री करेंगे आप, फील्डिंग में तो राजीव कोई एक्सक्यूज है ही नहीं है, अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस अलग होंगी और वहां पे आपको एक से एक बढ़िया फील्डिंग साइड मिलेगी। लेकिन कल जिस तरह की फील्डिंग हुई है एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, तो अब लॉट एंड लॉट टू पॉन्डर, क्योंकि जो मनोबल हम हासिल करना चाहते थे वो शायद 2 नॉच हायर की जगह 2 नॉच नीचे चला गया है। सबब ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे सारे मेन बॉलर मार खा रहे हैं और कंटिन्यूसली मार खा रहे हैं, ये एक चिंता का सबब है आपके लिए। चलिए मार पड़ती है हर किसी को, हमें भी पता था फ्लैट ट्रैक है, 208 रन चेजेबल हो सकता है चीज, बट जो रन देने का तरीका वो बदल नहीं रहा है, वो चाहे भुवनेश्वर कुमार हो चाहे यजुवेंद्र चहल हो, कैसे आप निपटेंगे? क्योंकि जैसे जैसे मैच कम होते जाएंगे और ये परेशानी खत्म नहीं हुई तो फिर हम वही खाली हाथ वापस लौटने की स्थिति में आ जाएंगे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से। हाँ राजीव, और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब किसी भी फॉर्मेट में अगर 5 या 6 बॉलर में सिर्फ एक बॉलर किफायती गेंदबाजी करे और इफेक्टिव रहे तो फिर आपके लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, और नहीं केवल कल के मैच में ये हुआ है पर एशिया कप में भी हम लोगों ने यही देखा है। मैं तो बात यहाँ पर ये उठाना चाह रहा हूँ कि आपके पास और ज्यादा विकल्प है नहीं राजीव, जो आपने चुने हैं इन्हीं को मेहनत करनी होगी। और कल के मैच में मुझे ये भी लगा कि हम लोगों ने ज्यादा होमवर्क किया नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई स्पेसिफिक बल्लेबाजों को कौन से लेंथ में डालना है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, विकेट के मुताबिक आपको कौन सी लेंथ पे डालना है, ये कल देखने को मिला नहीं। जब जब हम लोगों ने सही लेंथ पे डाला है और बल्लेबाज के मुताबिक गेंदबाजी की है वहां पर हमें विकेट मिला है। उदाहरण के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप देखेंगे कि एशियाई विकेटों पे अगर आप उनको स्लो बाउंसर डालते हैं वहां पर वो 6 बार आउट हो चुके हैं इसके पहले, और कल भी उमेश यादव ने वही स्लो बाउंसर डाली और उसी पर उनको विकेट मिला, तो कल 7वीं बार ऐसा हुआ है कि एशियाई धरती पर एशियाई पिचेस पर ग्लेन मैक्सवेल उस प्रकार से आउट हुए हैं। तो अगर हम ग्लेन मैक्सवेल के सामने उस तरह की तैयारी कर सकते हैं तो हम लोगों ने कैमरन ग्रीन के सामने क्यों नहीं तैयारी की, हम लोगों ने मैथ्यू वेट के बारे में क्यों नहीं सोचा कि उनको कहाँ पर हमें गेंदबाजी करनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि मुकम्मल जब तक क्या तैयारी करेंगे नहीं फिर आपको नतीजा जो है आपके हक में बहुत कम बार देखने को मिलेगा। और मैं वापस अपनी बात पर दोहरा रहा हूँ कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपके पास और कोई है नहीं बचा हुआ, सिर्फ जसप्रीत बुमराह को ले लें या फिर आप अर्शदीप को ऊपर नीचे खिला सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार की जगह पे अर्शदीप को खिला सकते हैं, दीपक चहर को खिला सकते हैं, पर आपकी जो बॉलिंग यूनिट है उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका होमवर्क, आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। कल भुवी ने क्या ट्राई किया, देखिए अच्छी बात यह थी कि भुवी ने कम से कम ट्राई किया कि वो यॉर्कर लैंड डालेंगे, पर यॉर्कर लैंड डालने के चक्कर में वो एक्स्ट्रा डाल रहे थे।
अगर आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो फिर यॉर्कर को कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वापस उन्होंने लेंथ बॉल डाली या फिर वापस वो धीमी गति की बॉल डाली, उसमें भी उन्होंने लेंथ ठीक पकड़ी नहीं, जिसके वजह से इतने सारे चौके मैथ्यू वेट ने लगाए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि दबाव में भारतीय टीम बॉलर्स का क्या प्लान है, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये देखने को मिल नहीं रहा है। तो रितेंद्र ऐसा लगने लगा है तो कि बिना जसप्रीत बुमराह के हम कोई भी T20 मैच जीत ही नहीं पाएंगे, और भुवनेश्वर कुमार को अगर हेल्प नहीं है कंडीशन से पिच से तो उनको मार पड़ना तय है। ये कई क्रिकेटर्स बोल चुके हैं इससे पहले भी, तो इतना ज्यादा मोहताज भी होना चाहिए पिच और परिस्थितियों का कि आपसे गेंदबाजी ही ना हो। और जिस तरह से पहली बॉल पर छक्का मारा एरन फिंच ने, उनको तभी लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से डोमिनेट करने के इरादे से है और हर्षल पटेल के पास स्पीड नहीं है, उनको टारगेट किया जाएगा और भुवनेश्वर कुमार को, दोनों ही गेंदबाजों ने 40 से ज्यादा रन दिए 4 ओवर में। जी हाँ राजीव, देखिए अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं, ये सब टीमें मुकम्मल टीम्स होंगी वर्ल्ड कप में। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, और ये टीम्स एशिया कप में नहीं थी। एशिया कप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स अगर हम बात करें, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, पाकिस्तान एक बेहतर टीम है, लेकिन अगर हम बात और टीम्स की करते हैं, भारत ने उनके सामने भी स्ट्रगल किया, श्रीलंका के सामने जो अब कहीं ना कहीं ट्रांजिट से बाहर आ रही है, बेहतर खेल रही है, हमने उनके सामने स्ट्रगल किया है। लेकिन अब मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, दे हैव बीन वर्ल्ड चैंपियंस, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर लेके जाने होंगे, आपको बॉलिंग बेहतर करनी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लूज बॉल आप करेंगे आप बच जाएंगे, यू विल बी पुश टू क्लीनर्स, यू विल बी हिट टू बैंटर्स, लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं राजीव। एशिया कप में लग रहा था शायद भुवनेश्वर कुमार अब सीखेंगे, जैसे साबा बात कर रहे हैं वो यॉर्कर ट्राई कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? क्या भुवनेश्वर आपको विकेट्स दे रहे हैं? क्या वो लास्ट ओवर्स में डेथ बॉलिंग में रन्स रोक पा रहे हैं? अब बिल्कुल नहीं। तो अब साबा ने बिल्कुल सही कहा, विकल्प कहाँ है? आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्वीप को ला सकते हैं, अब बाहर से कोई नहीं आने वाला, यही आपका न्यूक्लियस है, इन्होंने ही आपको वर्ल्ड कप जिताना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल जिस तरह परफॉर्मेंस हमारी रही है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अब कहीं ना कहीं भारतीय टीम को भी लग रहा है, जो शायद एक महीना पहले नहीं लग रहा था कि हम उनको लग रहा था बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो टेम्पलेट की हम अक्सर बात करते हैं, बहुत मुकम्मल नजर आ रहा है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से भारतीय टीम को बहुत बातचीत की जरूरत है। समय कम है, लेकिन अगर हम सवालों की बात करें वो बढ़ते जा रहे हैं। बिना जसप्रीत बुमराह के क्या सभा भाई हम कोई T20 मैच नहीं जीत सकते, अब ये धारणा बनने लगी है। रोहित शर्मा के चेहरे पे पहली बार इतनी हताशा दिखी, वो शायद एशिया कप में दो बड़े स्कोर डिफेंड ना कर पाने की हताशा थी, या ऑस्ट्रेलिया तमाम बड़े नामों के बिना आया था, उसके बाद बिना मैच हार गया, यानी डेविड वॉर्नर नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं, मिचेल मार्श नहीं है उनके पास, मिचेल स्टार्क नहीं, उसके बाद भी उन्होंने आसानी से हरा दिया, यानी कि जो उनकी सेकेंड बेंच की टीम है वो आपकी मेन टीम को हरा दे रही। राजीव चिंताएं तो जरूर हैं यहाँ पर, अब जसप्रीत बुमराह भी फिट होकर वापस आते हैं, उनका परफॉर्म किस तरह का रहता है, अब हम लोगों ने हर्षल पटेल को देखा, इनको थोड़ा बहुत समय लगेगा मैच फिट होने में, सही फॉर्म पकड़ने में, पर एज अ अगर आप जसप्रीत बुमराह को भी ले आते हैं और दूसरे छोर से या फिर अन्य जो 3-4 बॉलर है वो अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं, तब भी आप मैच नहीं जीत पाएंगे। देखिए आपके पास इस समय 6 बॉलिंग कॉम्बिनेशन है जो कि सही है, 6 बॉलिंग रिसोर्सेज में कम से कम आपको T20 मुकाबला जीतने के लिए 3-3.5 बॉलर ऐसे चाहिए जो अच्छी गेंदबाजी करें और इफेक्टिव गेंदबाजी करें, तभी आप T20 का मुकाबला जीतेंगे, चाहे आप डिफेंड कर रहे हो या फिर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो। अगर आप सिर्फ 1 या 2 बॉलर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो फिर मैच जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। कल तो भारत के लिए अच्छा ये रहा कि हमारी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, हम लोगों ने 208 रन बनाए, तो तभी तो मैच 1900 ओवर तक चला गया, नहीं तो मैच बहुत जल्दी पहले खत्म हो जाता अगर हम लोग 200 के अंदर रन बनाते तो। इसका मतलब यही है कि अंत में हमारी गेंदबाज बल्लेबाजी अच्छी हो रही है जो कि बहुत बड़ी बात है, पर गेंदबाजी को सपोर्ट करना होगा हमारे बल्लेबाजी को, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो दुबई की थोड़ी बहुत टफ विकेट्स हो या फिर मोहाली के फ्लैट ट्रैक्स हो। और मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ट्रैक्स कुछ इसी प्रकार के मिलेंगे जो कि बाउंसी होंगे, वहां पर विशाल ग्राउंड होगा, वहां पर ज्यादातर ये स्ट्रोक ये कटर्स या फिर बैक ऑफ द हैंड गेंदे जो है वो वहां के विकेटों पे बल्लेबाजों को परखना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑफ द विकेट बॉल में गति रहती है, उस पर आप प्रहार कर सकते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान देकर ही यहाँ पर तैयारी करनी होगी भारत को। जितेंद्र क्योंकि आप भी मीडिया पेश करते रहे, हर्षल पटेल आपको लग नहीं रहा है कुछ जरूरत से ज्यादा स्लोअर वंस डालते हैं, जरूरत से ज्यादा कटर्स डालते हैं, पर राजीव
पर राजीव उन्होंने 3 ओवर अच्छे डाले थे, 3 ओवर उन्होंने सिर्फ 22 रन दिया था, वो अंतिम ओवर जो उन्होंने 21 रन का दिया वो महंगा साबित हुआ। तो मुझे लगा कि हर्षल पटेल की वापसी ठीक ठाक हुई थी, जो पहले के 3 ओवर उन्होंने डाले उसमें कोई उन्होंने गलती की नहीं, वहां पर उन्होंने दबाव बनाया था बल्लेबाजों के ऊपर, वही अंतिम ओवर में जब दबाव बढ़ा उनके ऊपर तब वो ठीक प्रकार से गेंदबाजी कर नहीं पाए। जी रितेंद्र बताएं। देखिए राजीव जी, हाँ 3 ओवर की अगर हम बात करते हैं वहां पे लग रहा था लय को उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन जब हम आखिरी ओवर की बात करें जहाँ पे ही वॉज पुश टू क्लीनर्स, तो वहां लगा शायद थोड़ा बेहतर पिचिंग कर सकते थे, शायद थोड़ा अगर हम वैरायटी की बात करें, पिचिंग की बात करें, अगर हम ऑफस्टम्प के बाहर की बात करें, लेकिन देखिए प्रेशर आता है, प्रेशर तो है ही है जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आपको मार पड़ सकती है। बट हैविंग सेड दैट राजीव, हम तैयारी कर रहे हैं आप वर्ल्ड कप की, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एरर नहीं है। आप 3 ओवर अच्छा अगर डालते हैं 20 रन पे, अगले में 20 खा लेते हैं तो मैच तो निकल गया, तो अब कहाँ से वापसी करेंगे आप? तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो अब 10 में से 10 शानदार बॉलिंग करे, शानदार बल्लेबाजी करे, तब आप उम्मीद रखेंगे वर्ल्ड कप जीतने की। वर्ल्ड कप ऐसे नहीं हाथ में आ जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वर्ल्ड कप हाथ में उठा के बोलेंगे हम जीत गए, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको हर, अगर हम खाने की बात करते हैं, फिलिंग अप ऑल द बॉक्सेस, टिकिंग ऑल द बॉक्सेस, उस पे काम करना होगा। तो हर्षल पटेल जी हाँ, ही लुक्स टू बी इन डिसेंट फॉर्म, बट अगेन एनालिसिस अगर हम अंत में पूरा उठा के देखते हैं तो शायद लगा कि एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, तो वहां पे वो जरूर काम करेंगे। बट जी हाँ, अगर हम उनकी वापसी की बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत उनको ब्रेक हुआ था उसके लिहाज से ही सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल, और मुझे लगता है अगर थोड़ा और काम करेंगे नेक्स्ट में, और बॉलिंग करेंगे, और मैचेस खेलेंगे, और बेहतर होते जाएंगे। अब आ जाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पे, हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारते हैं, मोहम्मद नवाज आके आपको रन बना देते हैं, श्रीलंका के खिलाफ हम मैच हारते हैं, राजपक्षे आके आपको अटैक करते हैं, रन बना देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से मैच हारते हैं, अचानक मैथ्यू वेट आते हैं और हीरो बन जाते हैं। ये लेफ्ट हैंडर्स का गेंस हम क्यों रणनीति नहीं बना पाते? मैं बड़े दिनों से अपने शो पे आवाज उठाता हूं कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ गेंदबाजी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम क्यों होता जा रहा है? दुनिया भर की और भी टीमें जो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी रणनीति के साथ आती हैं, क्यों? ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, रितेंद्र से भी, कि लेफ्ट हैंडर आते हैं और हमारे अगेंस्ट भगवान की तरह बैटिंग क्यों करते हैं? होना नहीं चाहिए राजीव, क्योंकि अब तो जिस तरह के प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं वहां पर स्पेसिफिक प्लान बनाया जाता है राइट हैंड बैटर के विरुद्ध भी और लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध भी। हमारे भारतीय टीम में अगर आप देखें तो कई सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास जडेजा है, आपके पास अक्षर पटेल है, और उसके ऊपर से जो तैयारी की जाती है वहां पर दोनों किस्म के बल्लेबाजों के सामने की जाती है, पर अंत में चाहे वो लेफ्ट हैंड बैटर हो या फिर राइट हैंड बैटर हो, बहुत जरूरी है कि आपने जो प्लान्स बनाया उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैथ्यू वेट के खिलाफ आपने जो प्लान्स बनाया था उसको हम लोगों ने ठीक तरह से एग्जीक्यूट किया नहीं, अब उनको आपने शॉर्ट बॉलिंग क्यों डाली? क्योंकि वो हमेशा स्ट्रांग है शॉर्ट डिलीवरी के सामने, वो मोमेंटम इख्तियार करने के लिए विकेट के सामने आ रहे हैं, आगे बढ़कर उन्होंने हर्षल पटेल को वो पुल शॉट लगाया था, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बात कही थी कि क्या हम लोगों ने हर एक बल्लेबाज के सामने अपना होमवर्क किया था कि नहीं, क्या हम यही जनरेट प्लान बना के गए थे भाई मुझे जो भी बल्लेबाज आ जाए मुझे उसके खिलाफ यही लेंथ पे डालना है? ऐसा होता नहीं है, वहां पर हर एक बॉलर बल्लेबाज के सामने आपको अलग अलग प्लान बनाने होते हैं, वो भी प्लान ए प्लान बी होना चाहिए, जो कि हमें कल देखने को मिला नहीं। अगर प्लान था तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया नहीं, तो ये बहुत 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 बड़ी परेशानी रही है भारत के लिए। आपने सही कहा कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने हम लोग प्लान तो बनाते हैं पर उसको हम एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा फिर उस तरह के प्लान के, अगर हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो। रितेंद्र वैलिड पॉइंट उठाया मैंने, आपको भी लग रहा है कि लेफ्ट हैंडर्स आते हैं और मैच आपके जबड़े के में हाथ डाल के निकाल के ले जाते हो, चाहे नवाज हो, चाहे राजपक्षी हो, और अब चाहे जिस तरह से बैटिंग की मैथ्यू वेट ने, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? बॉलिंग कोच आपके साथ होता है, हेड कोच आपके साथ होता है, क्या हेड काम नहीं करता है वहां पे जाके? आप उनके स्ट्रॉन्ग एरिया में गेंदबाजी करते हैं बना सकते हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में गेंदबाजी करें? राजीव देखिए, अगर आप राजपक्ष की बात करें, अगर आप मैथ्यू वेट की बात करें, हमारे बॉलर्स देखिए नए तो है नहीं है, उनको बॉलिंग करते इन बल्लेबाजों को सालों साल हो गए हैं, तो अभी अगर आप अभी नहीं रियलाइज करेंगे कि
इनकी वीकनेस क्या है, इनको कहाँ पिचिंग करनी है, कौन सी इनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी इनकी वीकनेस है, तो शायद वो चिंता का विषय है। आप टीम मीटिंग में तमाम बातें करते हैं, मैथ्यू वेड को यहाँ बॉलिंग नहीं करनी है, या फॉर दैट मैटर एक्स वाई जेड को कहाँ बॉलिंग करनी है कहाँ नहीं करनी है, तो इसीलिए टीम मीटिंग्स होती हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और जैसे साबा कह रहे हैं प्लान ए प्लान बी प्लान सी, वो एक अच्छी टीम की तैयारी है, हमेशा जाके प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन अब जैसे हम सब बात कर रहे हैं होमवर्क की, राजीव अब समय आ गया है क्लास वर्क का, क्लासरूम एग्जामिनेशन सेंटर, आप जो मर्जी होमवर्क करें जो मर्जी करें, आपको अब इम्तिहान जीतना है और वो है वर्ल्ड कप। तो अब कैसी तैयारी भारतीय टीम करती है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं मनोबल नजर आ रहा था कुछ समय पहले एशिया कप से पहले, ऐसा लग रहा था भारतीय टीम एक साल से T20 क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान ज्यादा नहीं खेली है, श्रीलंका ज्यादा नहीं खेली है, लेकिन सबसे ज्यादा खेल के सबसे पहले बाहर एशिया कप में हम हो गए हैं। तो जी हाँ, दैट इज अ पॉइंट कि अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आपको पस्त किया जाएगा, और कुछ ऐसा ही कल हुआ है पीसीए स्टेडियम मोहाली में। अब फिंगर स्पिनर को जिस तरह की सक्सेस मिली, सभा भाई अक्षर पटेल ने जो स्पिन डाला, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए उन्होंने, 3 विकेट लिए, क्या एक नए कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा जाए यहाँ पे अश्विन को लाया जाए, क्योंकि चहल को बहुत मौके मिल गए। आप एशिया कप में देख लें बिल्कुल आउट ऑफ रडार गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ वही हाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ। आपको लग रहा है एक नई सोच भी डालने की जरूरत है, रटे रटाए फॉर्मूले पे आप ना जाएं, और ये रटा रटाए फॉर्मूला इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि 19वां ओवर और क्यों बार बार भुवनेश्वर कुमार को दिया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब आप जान लो कि उनसे गेंदबाजी नहीं हो पाएगी 19वें ओवर में, प्रेशर हैंडल नहीं होगा उनसे। देखिए एक बात ये भी है राजीव, क्या बहुत ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो उससे ना टीम में पैनिक आ जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब यूजी चहल थोड़ा बहुत अप एंड डाउन उनका परफॉर्मेंस रहता है, एक मैच में अच्छा करते हैं एक अच्छा नहीं करते हैं। कल मुझे ऐसा लगा कि पूरा एशिया का फ्लॉप है, वो एक भी मैच ऐसा याद नहीं आता जहां पे उन्होंने मैच टर्न कर दिया हो, तो दिक्कत तो यही है आपके मेन बॉलर है भाई, मेन बॉलर वो नहीं, मैं मान रहा हूं कि वो मेन बॉलर है। यूजी चहल को मौका इस वजह से मिलता है क्योंकि वो मेन विकेट टेकिंग बॉलर है, और एक अटैकिंग स्पिनर है, जो कि अच्छी बात है। पर कल 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 मुझे मेरे हिसाब से ये हुआ कि फ्लैट ट्रैक पे आप और ज्यादा लूप के साथ बॉलिंग करने की जरूरत है, और ज्यादा स्पिन डालने की जरूरत है, तो देखने को मिला नहीं। आपने आपने फ्रंट ऑफ द हैंड से वो तेज गेंदें डालना शुरू कर दिए, वो फ्लिपर डालना शुरू कर दिया, जिसके वजह से आसानी होगी। अगर आपको याद होगा कि युजी चहल हमेशा जो बॉल डालते हैं वो बल्लेबाज के रेंज के बाहर बॉल डालते हैं, वाइड द ऑफ स्टंप डालते हैं, वहां पर वो लूप कराते हैं, वहां पर वो टर्न कराने की कोशिश करते हैं, कल ऐसा देखने को मिला नहीं। तो क्या उनके दिमाग में चल रहा था ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर विकल्प जरूर है आर अश्विन, मुझे लगता है एक मैच के बिना पर आप इतना ज्यादा परिवर्तन आपको करना नहीं चाहिए, थोड़ा आपको और अभी भी मौका देना चाहिए। अक्षर पटेल को ने अच्छी गेंदबाजी की है, और आपको थोड़ा बहुत भरोसा दिखाना होगा युजी चहल के ऊपर। रितेंद्र आप किस तरह से, आप सभा भाई से सहमत हैं, कह रहे हैं और थोड़ा खिलाना चाहिए अभी चहल को, लेकिन 5 ही मैच तो रह गए आपके पास वर्ल्ड कप से पहले। राजीव अगर आप चहल को अब नहीं खिलाएंगे तो किसको लेके आएंगे, आपके पास विकल्प कौन है? आर अश्विन जिसकी हम बहुत बात कर रहे थे, शायद T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो होंगे नहीं होंगे, तो आपका जो बेस्ट यहाँ पे स्पिनर है, जो टॉप क्लास स्पिनर है, वो चहल हैं, तो आपको उनको तो खिलाना ही होगा। चहल से बातचीत की जरूरत है कि टफ सिचुएशंस में कैसे उनको बॉलिंग करनी है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, ही इज नॉट अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बहुत से मैच खेले हैं, बहुत सी टफ सिचुएशंस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो कल इट कुड बी वन ऑफ द बैड डेज, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चहल किस तरह अब आगे प्रॉस्पर होते हैं, क्योंकि ये ऐसी टीम है राजीव, ये रन खेलते हैं, यहाँ ये बॉक डाउन ही होते हैं, ये अच्छे बॉल को भी छक्का मारेंगे, उसके बाद आप कम बैक कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बार आपके शोल्डर ड्रूप हो सकते हैं, अगर आपको लगता है वो अच्छा बॉल निकला है हाथ से लेकिन वेट उसको दे देते हैं स्टेडियम से बाहर, तो आप वापसी कैसे करते हैं। आई थिंक दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इज जो प्लान बी की हम बात करते हैं, जो साबा बात कर रहे हैं, तो वहां पे अब भारतीय टीम किस तरह एक्सेल करती है, आई थिंक दैट इज वेयर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो अगले मैचेस हैं, भारतीय टीम की वापसी कैसी रहेगी। तो भाई आखिरी एक एक सवाल आपसे लूंगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे एक लूंगा, आपको लग रहा है कैमरून ग्रीन और ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की वो एकदम सरप्राइज कर दिया उन्होंने इंडियन टीम को, शायद इसके लिए वो तैयार नहीं थे, उनको लग रहा था मैथ्यू वेड शायद ओपन करेंगे, सरप्राइज किया गेंदों पे 60 रन बना के उन्होंने, और इस वजह से भारतीय टीम उससे उबर नहीं पाई जिस तरह का अटैक किया कैमरून ग्रीन ने।
देखिए T20 गेम ही सरप्राइज का है राजीव, यहाँ पर आपको किसी भी विपक्ष के मूव से सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको तैयार होना होना पड़ेगा। कल कल के मैच में कैमरून भी ना आ गए, हो सकता है कि आने वाले मैचेस में कोई बल्लेबाजी करने के लिए, हम लोग भी तो यही करते हैं, तभी हम विराट को प्रयास ही करना होगा कि आप विपक्षियों से किस तरह से आगे रहें। और कल ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से आगे रहा, पर सोडी ने जो बात उठाई है कि देखिए आप एक बार हमें नजर दौड़ानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच क्या था। ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच रन चेज में था कि हमें पावर प्ले में रन बनाना ही बनाना है, चाहे विकेट गिर भी जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसी तरह से कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ओवर से उन्होंने बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था, एरन फिंच ने पहले ओवर से ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया था। तो एक बड़ा स्कोर को चेस करने के लिए आपके सामने तो टेम्पलेट बना हुआ है, इसी वजह से अगर आप डिफेंड कर रहे हैं टोटल को तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक तैयारी के साथ बॉलिंग करनी होगी, जो जो कर हम लोग एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। तो टिम डेविड नीचे मैं उनको बड़े शॉट लगाने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि मैथ्यू वेड ने शॉट लगाना शुरू कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच बहुत ही रिफ्रेशिंग था और हमेशा से एग्रेसिव था राइट फ्रॉम बॉल नंबर वन, और इसी वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम पूरी तरह से हराई होगी। और मैं तो दिया अब ये देख रहा हूँ कि ये जो आज जो सोडी जी का मैच है वहां पर भी मुझे उसी प्रकार के एग्रेशन देखना चाहिए। अगर सोडी जी ओपन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि कैमरन ग्रीन की तरह ओपन करें, क्योंकि शैली एक ही तरह की है, दोनों के दोनों बैटिंग ऑलराउंडर है। तो जिस तरह से कल कैमरन ग्रीन ने गेंदबाजी की, अच्छा उछाल उनको मिल रहा था, मैं वो एक्सपेक्ट करना चाह रहा हूँ। जितने छक्के कल कैमरन ग्रीन ने लगाए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज सोडी जी भी उतने ही छक्के लगाए हैं। सोडी जी का मैच कल है वैसे, 22 तारीख को है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तो ढेर सारे दर्शक लेके भी पहुंचने वाला हूँ वहां पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र सिंह सोडी को हम लोग देखने जाएंगे कोटला पे जितेंद्र। लेकिन फाइनल रिएक्शन ये एग्रेसिव, जब वो क्रिकेट कोई खेलता है अपने आपका ओपोनेंट तो हम अचानक वॉकडाउन क्यों होने लगते हैं? हम ऐसे तो दिखाते हैं शेर है, लेकिन सामने जैसे ही बब्बर शेर आता है हम लोग सीधे ढेर क्यों हो जाते हैं? तो आप भी तो बब्बर शेर बनके लड़ सकते हैं, जो सभा भाई कह रहे हैं वो बात आप पे भी लागू होती है और इंडियन टीम पे भी, कि मतलब सामने ठीक है बड़ी टीम आके अटैक कर रही है तो आप कम से कम कुछ तो चक्रव्यूह बनाए, कुछ तो दिखाएं कि आप ओवर एग्रेशन करेंगे या सीधे शेल में चले जाएंगे। देखिए राजीव, अभी जैसे साबा ने एलैबोरेट किया ना आंसर, देखिए वो तीर वहां चला रहे थे और कैमरन ग्रीन की बात हो रही थी, ऐसे घूम जाते हैं, घूम के मेरे पे आ जाते हैं, तो ये हमेशा साबा करते हैं होते हैं, लेकिन हम तीर नहीं चला रहे हैं अपनी बॉलिंग में। जैसे आप बात कर रहे हैं रजीत, ये बढ़िया टीम है, ये चैंपियन टीम है, ये बॉक डाउन नहीं होगी, ये आपके अच्छे बॉल को भी चौका छक्का मारेगी। साबा ने बिल्कुल सही कहा, देखिए इतना लंबा अगर टारगेट है तो 6 ओवर इज द की, आप 6 ओवर पकड़ लें टीम नीचे लग जाएगी, आप मैच जीत जाएंगे हैंड्स डाउन। अगर 6 ओवर में उनको फ्लायर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल होगी और ऐसा ही हुआ है। तो आप पहले 6 ओवर क्या डालते हैं, कहाँ आपकी पिचिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज कप्तान आप जानते हैं कि द ऑपोनेंट्स विल कम क्रैकिंग इन द फर्स्ट सिक्स ओवर्स रादर। लेकिन वहां पे हमारा फिर फेलियर हुआ, उनको फ्लायर मिला और उसके बाद इतिहास गवाह है। कैसे ऑस्ट्रेलियन टीम, ज्यादा मुश्किल उनको हो ही नहीं है, 208 रन मैसिव टारगेट होता है, लेकिन दे हैव वन इट कंफर्टेबली। तो भारतीय टीम को अब जैसे राजीव आप कह रहे हैं, शेर की जगह बब्बर शेर बनना होगा, दे गॉट टू हैव द आंसर्स टू ऑस्ट्रेलियाज एग्रेशन। और हम सब उम्मीद करते हैं कि अगला मैच भारतीय टीम विल कम आउट विद ब्लेजिंग सिलेंडर्स। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके लेजेंड्स मैच के लिए। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक गंभीर विषय पे आज हमने चर्चा की, क्योंकि ये चर्चा इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है और वर्ल्ड कप जीतने की शुरुआत यानी कि जो अभी 4-5 मैचेस की प्रैक्टिस हम देख रहे हैं या मैचेस देख रहे हैं वहां पे अगर भारतीय टीम लगातार वही गलती दोहराएगी तो फिर सवाल उठने लाजमी और इसका जवाब बहुत जल्दी भारतीय टीम मैनेजमेंट को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह सभा भाई ने कहा और इतेंद्र ने भी कहा कि यही रिसोर्सेज है, अब आप चेंज नहीं कर सकते, इन्हीं रिसोर्सेज के साथ आपको वर्ल्ड कप में जाना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि इन रिसोर्सेज को आप ठीक कैसे करें ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप सीरीज जीतें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करें और ये मोमेंटम आप लेकर वर्ल्ड कप में जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।